नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस सरकार में अधिकारी इस कदर तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहे हैं जिसका एक उदाहरण जन सुनवाई के दिन देखने को मिला। दरअसल यहां पर एक दिव्यांग किसान अपनी समस्या को लेकर आया था, लेकिन कलेक्टर मोहित बुंदस द्वारा उसे मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर भेजा जा रहा है, जिससे कि उसकी जांच की जाए कि कहीं वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त तो नहीं है। एक किसान पिछले 15 वर्षों से अपनी ही जमीन पर काबिज नहीं हो पा रहा है। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद भी दबंगों के कब्जे में फंसी उसकी जमीन को जब पुलिस खाली नहीं करा पाई तो वो किसान कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा। दिव्यांग किसान शंकर पटेल निवासी देवगांव थाना बमीठा ने जब कलेक्टर को जनसुनवाई में शिकायती पत्र देकर ये लिख दिया कि अगर जमीन नहीं मिली तो उसका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। कलेक्टर मोहित बुंदस इस बात से भड़क गए और उन्होंने किसान को ही मानसिक रोगी समझकर उसे जिला अस्पताल पहुंचा दिया। हालांकि जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की एक टीम ने शंकर पटेल का मेडिकल परीक्षण किया, जिसमें वह पूरी तरीके से स्वस्थ पाया गया, लेकिन चूंकि निर्देश कलेक्टर का था इसलिए किसान को मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने के लिए जबरन ही ग्वालियर भेजा जा रहा है, यानी कि उसे जानबूझकर मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार देने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन एक किसान को न्याय दिलाने में खुद भी सक्षम नहीं हो पा रहा है, पंग हो गया है, इसलिए सामने वाले पर ही आरोप जड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। बुलेटिन के समय तक कोतवाली पुलिस किसान को कोतवाली में ही बिठाए रही और इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी इस मामले का कवरेज करने के लिए मना किया गया। हम कलेक्टर साहब को आवेदन दे आए थे कि हमारी जमीन पर कब्जा नहीं छूट रहे, तो हमने साहब पिलाने कब्जा देवार अभी पिलाने जाए तो उन्हें सब भेज रहे। हम उस जगह का विवाद चल रहा है तो 15 साल से हो गए, तो अभी कहते रहे अब उन्हें एकदम से करा नहीं देते। 2-3 बार तो तहसील हो आए हम तो कोई नहीं सुना, ये पुलिस नहीं आती है, थाने भी जाते रिपोर्ट डाली सब चीज़ें, हमारे जोतने गए तो अभी मानने की धमकी दी उन्हें, कैसे आ गए थे 5-6 लड़के अकेले, हमने ट्रैक्टर लिया और भाग गए। आज कलेक्ट्रेट में नाम बता शंकर प्रसाद पटेल आए थे तो उन्हें पता नहीं है कि क्या आवेदन लिखा कि क्या कहा, हमको पता नहीं है, और बस भी ले गया कह रहे ग्वालियर भेज दिए हैं। कौन ले गया? अब यही पुलिस वाले लेगा, हमको पता नहीं है, साथ में हमको बात ही नहीं करने दिए। कुछ होता है को बताओ, आप ही बताओ को जिम्मेदार है, कैसे लेगा बिना बताए, हमसे कुछ बात ही नहीं की है कि को ले गया को नहीं ले गया। हाँ उठा के ले गए, हमको बात ही नहीं करने दिया। हमने नहीं, हम तो बेटी आई साहब हुई है जो कहो कलेक्टर साहब, जो कहो कलेक्टर साहब ने लिख के दी। हाँ लिख के ऐसा गए थे समझ से कि हम आप फैसला कराओ नहीं तो हम आए। हाँ नया कह कुछ नहीं हुआ, और बस एक कैसे ही लगा दिया उन्होंने। आज एक कलेक्टर के यहाँ, कोई कलेक्टर साहब के यहाँ गया था जनसुनवाई में, वहाँ से SDM साहब लेके उसके सरकार लेके एक मरीज लेके आए थे, उसके साथ कुछ प्रोफार्मा था कागज से, ये कहना था कि ये मरीज ने कलेक्टर साहब को आत्महत्या करने के लिए अनुमति मांगी है, तो उसके लिए कलेक्टर साहब को निर्देश थे कि इसका मेडिकल कराया जाए, अगर ये आदमी कैसा है, मेंटली फ्री है कि नहीं है, प्रॉपर है, तो उसके लिए वो आए थे, SDM साहब आए थे, डॉक्टर चौरासी आए थे, जनसुनवाई में गए थे और उस व्यक्ति को लेके आए थे, उसका हमने मेडिकल परीक्षण कराया, उसकी MLC भी कराई और मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल परीक्षण में हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर MK गुप्ता ने बताया यहाँ कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो साइकेट्रिस्ट के ओपिनियन के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो मरीज नॉर्मल है, कॉन्शियस है, ठीक से बात कर रहा है, सब प्रकार से ठीक दिखता है, लेकिन ओपिनियन के लिए उन्होंने ग्वालियर के लिए बोला है। हमारे पास तो वो व्यक्ति स्वयं था, चूँकि मरीज तो नहीं कह सकते, उसका व्यक्ति स्वयं था और सब काले जी थे, चौरसिया जी थे, फिर वहाँ पर TI साहब आए और TI साहब के साथ 2-3 पुलिस वाले और आए, तो पुलिस उसको क्या ग्वालियर ले गई? पुलिस हमारे पास से वो मेडिकल तो ले गई, मेरे ख्याल से पुलिस ले गई होगी ग्वालियर या ले जाएगी, इसकी जानकारी हमको नहीं। गौरतलब है कि किसान शंकर पटेल विकलांग है और लगभग 4.450 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर शिवचरण स्वामीदीन, पुष्पा देवी राजनगर एवं पप्पू सोनी निवासी बमीठा, अच्छेलाल रामप्रसाद हरलाल समस्त निवासी ग्राम टुटका के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। मामला नायब तहसीलदार राजनगर के न्यायालय में भी चला, जहां तहसीलदार ने उस भूमि पर सभी कब्जेदारों को हटाने का निर्देश भी जारी कर दिया और तहसीलदार ने 5 जुलाई 2019 को बमीठा TI को निर्देश किया कि किसान की जमीन के कब्जे को हटाया जाए। उसके बावजूद
टीआई भी उसकी जमीन से कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब परिवार को भूखों मरने की नौबत आई तो उसने परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। तो देखा आपने, ये हाल है प्रशासन के कि जब प्रशासन खुद ही अपने आदेशों को या न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करा पाने में सक्षम नहीं हो पाया तो एक मजलूम को ही पागल घोषित करने पर तुला हुआ है। ये समय की न्याय व्यवस्था है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD, वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए कूलर और AC की समस्त रेंज हमारे पास उपलब्ध है। डाइकिन AC की परचेजिंग और सेल्स एंड सर्विस की सुविधा भी अब हमारे यहाँ उपलब्ध। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।